मुंबई बना बड़ौदा के बीच टॉस का शिका उछाला गया है इस वक्त, और यहां महाराजा यूनिवर्सिटी बड़ौदा ने टॉस जीता। ये खेल शुरू होता हुआ और यहां पहली रेड के ऊपर देखेगा प्रतीक जाधव चले हैं। शानदार कैच हो सकता है लेकिन पड़ी रेड जाधव का, जादुई रेड। ठोस शुरुआत दो पॉइंट के साथ मुंबई यूनिवर्सिटी बनाम द महाराजा शेजाराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा के बीच ये बेहतरीन मुकाबला दूधिया प्रकाश में इस वक्त इंटर यूनिवर्सिटी वेट जोन कबड्डी मैन 2024-25 में आपका स्वागत अभिनंदन। दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये अंतिम मैच इस वक्त आप देख रहे हैं। एक नंबर पहचान संख्या से पिछले मैच में बहुत बेहतरीन रोल अदा किया था और उसी भूमिका में फिर से पेश आ सकते हैं। पिछले मैच की यादगार जीत दोनों ही टीमों से फिर वापस कार्तिक एक बार फिर से आ गए, लेकिन जो शुरुआत ठोस देखने को मिली पहली रेड के ऊपर दो पॉइंट प्रतीक जाधव के द्वारा वो देखने लायक थी, बहुत ही दर्शनीय। काफ़ी आक्रामक और बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं जाधव, एक बार फिर से आ रहे हैं जाधव। पहला रेड बिल्कुल जादुई अंदाज से, शुरुआत तो ठोस मिली है, अब आगे देखते हैं कितना खेल को मजबूत करता है बड़ौदा की टीम इस समय लगातार। और यहां पकड़ मजबूत है, पहुंचने की कोशिश लेकिन फंस गए हैं पंजे में। रडर आउट ओम प्रकाश जांगिड़ी। 10 नंबर से इस समय शानदार तरीके से आगे जा रहे हैं। डूडाई की करोमोरो की स्थिति डिफेंस से खाता खोलने में कामयाब रहा बड़ौदा, लेकिन फिर यहां देखते हैं आखिर। ओहो, अच्छा नियंत्रण है इस वक्त, कमाल का डिफेंस पेश करता है इस वक्त मुंबई यूनिवर्सिटी। मुंबई तारीफ करें उतनी कम मुंबई टीम की, जबकि द महाराजा सेजी राव यूनिवर्सिटी बड़ौदा गुजरात की टीम भी कम नहीं है, नीली पोशाक में इस वक्त, जबकि येलो पोशाक में मुंबई। ओहो, यहाँ पहुँच गए आसानी से, चार पे पहुँचता बहुत ज़्यादा आगे जाते हुए। 10 पॉइंट की कोशिश मांग की जा रही है, दावा कितना मजबूत देखते हैं। खामोशी वापस ज़्यादा, फिर से 4-1 के साथ 3 अंक की बढ़त है मुंबई इंडियंस कबड्डी के खेल मैदान पे समय यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। 4 का डिफेंस है, टाइम पर नजरें एक बार फिर से आ गए हैं यहाँ बड़ौदा के रेडर, लेकिन आक्रामक अंदाज हो सकता है जहाँ तक रेडर का सवाल है। संघर्ष शानदार तरीके से डी लाइन को छूकर वापस डूडाई पे 9 नंबर पहचान संख्या से देखते हैं आखिर। ओहो, ज़्यादा आगे गए हैं, फंस गए हैं चंगुल में इस वक्त मुंबई। पूरी ताकत झोंकते हुए इस समय माया नगरी अपनी माला में एक और मन का पिरोती भी, तारीफ करें उतनी कम। सुपर टेकल ऑन डू डाई भी, ये बेहतरीन चुनौती और रोमांचक मोमेंट इस वक्त है। 3 के डिफेंस से देखते हैं पॉइंट किस तरफ जाएगा। सबसे बेहतरीन रेडर इस वक्त रेड पे प्रतीक जाधव, शुरुआत अच्छी दी थी 2.6, और यहाँ डबल थाई होल्ड है, छोड़ने वाला नहीं इस समय बड़ौदा। झोंप बराबर झोंप, 2 पॉइंट सुपर टेकल से निराशा हाथ लगी, डबल थाई पे टेक था इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए। हालांकि प्रयास जरूर बेहतरीन था, ताकत भी झोंकी, लेकिन यहाँ फिर से पॉइंट गंवाया मुंबई ने। धीरे धीरे वापस लौटता मैच में, एक नंबर से फिर पीली पोशाक, पिछले मैच में बेहतरीन खेल दिखाया लेकिन यहाँ देखते हैं अब फिर से जीत के इरादे से सुरक्षित वापस कानाफू से। इस समय 10 नंबर को हिदायत देखते हैं कितनी कारगर साबित होती है। जबरदस्त दूधिया प्रकाश में इस वक्त खेल का जज्बा आप देख पा रहे हैं, प्रतिभावान खिलाड़ी एक से बढ़कर एक उभरते हुए शाइनिंग स्टार के रूप में चमक बिखेरते हुए अपने अपनी टीम यूनिवर्सिटी की झोली में।
शानदार मेज़बानी करता है इस वक्त श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़े वाला यूनिवर्सिटी झुंझुनू, राजस्थान प्रदेश का बहुत बेहतरीन जिला जहाँ शहीदों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध और विख्यात। वहीं उसी जिले जो कि शिक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, वहीं यहाँ इस जिले की मिठाई भी काफ़ी प्रसिद्ध, चिड़ावा के मशहूर पेड़े लाल चंदे के और नारसिंह के, वहीं पिलानी के भी प्रसिद्ध पेड़े रामदेव के नाम से। तो वहीं शिक्षा के साथ साथ मिठाई का जायका भी प्रसिद्ध है, जबकि डोडाई पेश देखते हैं अब कैसा मोमेंट पेश करता है। संभल कर डिफेंस दिखाने की ज़रूरत है। ओहो, थाई पे अटैक की कोशिश, कमजोर 10 नंबर से इस वक्त डोडाई है, बोनस के हासिल किया है 1 नंबर से। एक बार पुनः रेड पे, जितनी तारीफ रहे उतनी कम। 4 के डिफेंस पे और यहाँ लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश। 7-5 का स्कोर, मुंबई 2 अंक की बढ़त बनाए हुए, जबकि 10 नंबर में है इस वक्त। एक बार फिर से बड़ौदा द महाराजा शेजी राव यूनिवर्सिटी बड़ौदा गुजरात। सुपर टेकल, 3 का डिफेंस, थोड़ी सी मुश्किलें मुंबई के लिए बढ़ सकती हैं और उसी मुश्किलों से बाहर निकलने की कोशिश। लगातार प्रयासरत है मगर सेफ ही वापस जा रहे, पॉइंट नहीं यहाँ। दर्शक की भी खामोशी में है। ओहो, यहाँ आगे गए हैं, बड़ी रेड आ रहे हो, वहाँ भाई वहाँ रेड आउट। 2 के डिफेंस में अब, कभी आगे तो कभी पीछे, 10 पॉइंट की मांग की है। बिल्कुल रेडर सेफ 10 पॉइंट के साथ। उरी सिंगल से भी ऐसा ही लगा था जैसा अंपायर ने महसूस किया। लॉबी में गए, रेडर सेल्फ आउट, बोनस हासिल किया है लेकिन पॉइंट गंवा दिया। टाइम आउट लिया है कोच की गुरुदक्षिणा इसमें 12। इस वक्त मुंबई जबकि 6 बड़ौदा। टाइम आउट का कितना फायदा उठाएगा अब देखते हैं बड़ौदा। मैच में पीछे और इसीलिए सही वक्त पे टाइम आउट लिया कोच ने। किक किया है, ज्यादा जादुई रेड दिखाते हुए एक बार फिर दीजिए ईमानदारी का परिचय दिया। अब 3 नंबर पहचान संख्या से निश्चित रूप से मुंबई मजबूत होता हुआ बड़ौदा के सामने। बोनस की कोशिश, बोनस हासिल करने में कामयाब। 1 नंबर से सुपर स्टार जादव के बाद ये बेहतरीन रेड है। 6 का डिफेंस यानी बोनस ऑन, फिर भी प्रयास लगातार देखेगा यहाँ। ओहो, कमाल का प्रयास किया, सेफ ही वापस। लूज कंठ और गंवा दिया पॉइंट। जी हाँ, शायद जीव बाहर निकाला था और सही नजरें एम्पायर की, प्रमोद जी और ओम प्रकाश जी जांगिड, इनकी नज़रें बिल्कुल भी विचलित नहीं हो सकती लंबा अनुभव घाट घाट का पानी पिए हुए। और उसी नजर आने से पकड़े गए रडर। 14-7 का स्कोर, 7 अंक की बढ़त अब। 7 का सॉलिड डिफेंस नज़र आता हुआ, काफ़ी कमाल का खेल दिखाया है। ओहो, लॉबी में सेल्फ आउट, बाहर गए, एक और पॉइंट कमाया उपहार दीपावली पे। लगातार पिछली 2 रेड से 2 पॉइंट तोहफे में मिले हैं मुंबई को, जबकि डोडाई पे मुंबई। ओहो, धक्का दिया है, बाहर भेजा, 1-1 पॉइंट कॉमन दिया गया है दोनों टीम को। 16-8 का स्कोर,
बोनस की कोशिश की है और यहाँ कामयाबी मिलनी चाहिए। टेक्निकल पॉइंट 16-8 का स्कोर। ज्यादा फिर से समय बिता रहे, 16-8 का स्कोर बना हुआ है। जादव सेफी वापस जाएंगे या फिर जोखिम उठाएंगे, देखते हैं। आखिर खोप निश्चित रूप से बड़ौदा के लिए। बैक की कोशिश चलती रेड से फंसाने की चाहत। प्रयास लगातार इस वक्त देख पा रहे हैं। विचलित कदमों से दबाव में वापस खाली हाथी। 17-8 का स्कोर। 9 पॉइंट की बढ़त। पांच की कतार कवर करने की कोशिश। सेफी वापस डू डाई पे। अब 6 का डिफेंस मुश्किल में थोड़ा सा इस वक्त। बड़ौदा करो मरो की स्थिति। 15 सेकंड शेष हैं, समय का ध्यान रखना होगा। बैक, ओहो बड़ी रेड इस समय। वाह शानदार मुजाहिरा, बल्ले बल्ले महाराजा यूनिवर्सिटी। 2 पॉइंट से 10 ढाई अंकों में पहुंचता हुआ। 17-10 का स्कोर। अब सिर्फ 7 अंक पीछे है। वापस खेल में दिखाई दे सकता है, वापसी हो सकती है संघर्ष कायम रखा तो। और यहाँ फिर से 1-2 पॉइंट कमाए, बिल्कुल 2 पॉइंट जाते हुए मुंबई को। 3 नंबर से इस वक्त जोखिम उठाने की, देखते हैं कितनी जरूरत है इस वक्त पिछड़ता हुआ मैच में। 19-10 और या फिर से शिकार किया। वाह बेहतरीन कैच। मुंबई मजबूत जबकि कमजोर बड़ौदा। 6-9, 4 का डिफेंस है इसमें। 5 और 4 का कठिन ही माना जाता है और उसी कटता यू सेब। क्या समय गुजारेंगे या फिर जोखिम उठाएंगे? पूरा प्रयास। टोटस की कोशिश, छिन भिन कर सकते हैं डिफेंस को। ताकत का तो खेल है निश्चित रूप से, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं। स्किल तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही फिटनेस मजबूत होनी चाहिए, नहीं चोट लगने के आसार भी बने रहते हैं। जोखिम भरा खेल और उसी जोखिम से आगे बढ़ते हुए 10 नंबर में सुरक्षित वापस। परिवर्तन के तौर पे जादव प्रतीक। 4 के डिफेंस को कमजोर करना चाहेंगे, आक्रामक राइडर है। और यहाँ 2 पॉइंट, जी हाँ फिर से 2 पॉइंट का इशारा ओम प्रकाश जी जांगिर द्वारा। मैंने पहले ही जिक्र किया था कि काफी आक्रामक रेडर माने जाते हैं प्रतीक। जादुई रेड इनके द्वारा देखने को मिलती हैं और पहली रेड से जिस प्रकार से 2 पॉइंट अर्जित किए थे, ठोस शुरुआत मुंबई की और उसी का फायदा मिला। यहाँ बेहतरीन ब्लॉक, कमाल का नियंत्रण, बोनस अर्जित किया, लेकिन पॉइंट इसमें मुंबई की माला में। इसके साथ ही ऑल आउट यहाँ अंतिम खिलाड़ी थे। 26-11 का स्कोर। अब 15 की बढ़त। मुंबई मजबूत, तारीफ करें उतना कम है। मुंबई पैसे वालों की और यह धक्का देकर बाहर धकेला। 1-1 पॉइंट दोनों टीम का, बिल्कुल शानदार ऑफ सेटिंग। मैच रेफरी के रूम में ओम प्रकाश जी जांगिड़ और उनके साथ हैं अनिल जी गुजर और वहीं प्रमोद जी लगातार शानदार पार्टनरशिप करते हुए इस समय अंपायर के रूप में। एक अच्छा तालमेल होता है जैसे खिलाड़ियों का, उसी प्रकार अंपायर का भी बेहतरीन संतुलन। हाफ टाइम इसके साथ ही मध्यांतर का समय। हाफ टाइम के वक्त स्कोर 27 मुंबई जबकि 12 बड़ौदा। लगातार स्कोरिंग की भूमिका में तमाम ऑफिशियल्स। सेकंड हाफ शुरू होता हुआ 15 की बढ़त है मुंबई के पास, इसलिए बड़ौदा दबाव में। शुरुआती क्षण सेकंड हाफ के गजानन दोबड़ा के संग। अब
सुरक्षित ही वापस लौट रहे हैं। पहला ही रेड, लेकिन 15 अंक जिस प्रकार से पिछड़ा है द महाराजा सेजाराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा गुजरात, मुंबई यूनिवर्सिटी मुंबई के सामने। मुंबई का खेल निश्चित रूप से बड़ा है। 12 नंबर से इस वक्त प्रतीक जादव इस वक्त शानदार मुजाहरा पेश करते हुए। मुंबई निश्चित रूप से माया नगरी, क्योंकि मुंबई पैसे वालों की ऐसी मान्यता है, क्योंकि सेलिब्रिटी, फिल्मी सितारे और उद्योगपति जहाँ पे निवास करते हैं। पीली पोशाक में मुंबई पीले हाथ करता हुआ निश्चित रूप से बेहतरीन खेल के साथ, 6 का डिफेंस है जो कि बोनस ऑन साबित कर रहा। मुश्किलें बढ़ सकती हैं ज़्यादा आगे गई तो, लेकिन जोखिम को देखते हुए सेफ वापस एक बार फिर से। 6 का डिफेंस इस साइड भी, दोनों ही साइड 6-6 के डिफेंस में खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मजबूत मुंबई मनोवैज्ञानिक रूप से भी आगे है। 1 नंबर जर्सी के बेहतरीन राइडर संघर्ष शानदार तरीके से बोनस का प्रयास शार्दुल पांडे। 2 टाइप ऐप बड़ौदा किक करने की कोशिश की गई है, लेकिन संघर्ष 6 के डिफेंस में 10 पॉइंट की मांग ऐसा लगता तो नहीं, लेकिन अंपायर का इंतजार करना होगा। सेफ रेडर आउट और पॉइंट जाता मुंबई की माला में। मुंबई लगातार अपने मनकों में लगातार इजाफा करता हुआ, इधर से भी डूडाई देख लीजिएगा 3 नंबर से। पांच का डिफेंस अब नजर आता हुआ संघर्ष और यहाँ पॉइंट अर्जित किया। डाई जैसे लगाया, उछाल उड़ान भरी। जी हाँ, दूसरे हाफ में भी अच्छी शुरुआत, 29 पहुंचता हुआ अब 17 अंक की बढ़त है। और यहाँ लीजिएगा फिर से बाहर भेजा, वेल डन ऑडियंस से आवाज। छिन्नू यानी शार्दुल शानदार फॉर्म में, सुपर टेकल ऑन, 3 का डिफेंस, जबकि प्रतीक हो या फिर शार्दुल पाटिल गजब का खेल दिखाते हुए शानदार। और इनका फिटनेस काफी बेहतरीन है, शारीरिक रूप से भी काफी दक्ष मजबूत, खाली हाथ ही वापस आए। फिर से ट्राई करता, 30-12 का स्कोर देखिए, 17 की बढ़त कितनी विशाल है। मुंबई महान यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई येलो पोशाक में, जबकि सुपर टेकल ऑन इस वक्त नीली पोशाक में इस वक्त बड़ौदा गुजरात। प्रतीक इस वक्त शानदार तरीके से आक्रामक रुख अपनाए हुए, लेकिन खामोशियां फायदा नहीं उठाना चाहते। सेफ ही वापस आ रहे हैं, कभी आगे तो कभी पीछे। मंत्रणा कानाफूसी गुप्तगु करते हुए सेफ ही वापस। डोडाई सुपर टेकल भी ऑन, यहाँ हलचल निश्चित रूप से दिखाई देगी स्कोर में। कड़ा इम्तिहान, एग्जाम एक तरफ जाना मुश्किलें बढ़ा सकता है। समय ध्यान रखना होगा, 9 सेकंड शेष है। और यहाँ वाह भाई वाह, धीरज नहीं जादव प्रतीक इस समय अच्छी निशानी टूटा इस साइड से भी। 31-12 निश्चित रूप से हर साइड से फायदा उठाता हुआ, और यहाँ कुछ करना चाहिए था, लेकिन टच पॉइंट मांगे काफी पीछे चले गए थे। देखते हैं आखिर, रेडर आउट बिल्कुल सही फैसला, चेंज किया डिसीजन, रेडर सेफ, पॉइंट जाता इस वक्त बड़ौदा को। हालांकि ईमानदारी का परिचय दिया प्रतीक जाधव ने, लेकिन डिसीजन देने के बाद क्या यहाँ कुछ अलग दिखाना चाहते हैं प्रतीक जाधव, या फिर सही मायने में उनके टच था कहना मुश्किल, क्योंकि
रिव्यू का सिस्टम नहीं है। सुपर टेकल ऑन और अंपायर देखिए भगवान नहीं होते, गलती हो सकती है लेकिन गलती स्वीकार किया, दोनों हाथ कंधे पे टिकाते हुए क्षमा मांगते हुए डिसीजन चेंज किया। सुपर टेकल फिर से ऑन, तीन के डिफेंस में इस वक्त, और यहां लक्ष्य तक आसानी से पहुंचे हैं। गलतियां लगातार बड़ौदा की ओर से, तेजी से आगे बढ़े, फायदा उठाना चाहते थे पर शूट के अंदाज में, यहां नियंत्रण कमाल का है। शाहरुख खान ने चित किया, कहीं चोट ना लगे, जरा संभल के। 33-13 का स्कोर, अंतिम खिलाड़ी समर्पण किया ऑल आउट, एक बार फिर से 36-13 बड़े स्कोर के ऊपर जाता है इस वक्त मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, जबकि बड़ौदा बेहद कमजोर, काफी देर से 13 पे दिखाई दे रहा, जबकि 36 यानी 23 अंक की कितनी विशाल लीड है देखिएगा। रेडर फिर से सेफ, एक पॉइंट जरूर हासिल किया बड़ौदा ने, लेकिन 12 नंबर में प्रतीक आ गए हैं, ईमानदारी का परिचय भी दिया लेकिन यहाँ बस समय बिताते। शार्दुल पाटिल ने भी प्रतीक के बाद बेहतरीन मुजाहरा पेश किया, दो ऐसे रेडर मुंबई की टीम में जिन्होंने हर मैच में अब तक काफ़ी ध्यान आकर्षित किया है, घूमते हुए दृष्टिकोण देखे रेडर का इस वक्त मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेशर में नजर आने लगे हैं, क्योंकि 36-14 का स्कोर, 22 अंक अभी भी पीछे और ये बड़ा गैप नजर आता हुआ। डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी धूल इसमें लगातार चर्चाएं करते हुए ऑफिशियल्स के साथ है, निश्चित रूप से बेहतरीन उनकी सादर उपस्थिति शोभा बढ़ाते हुए प्रेसिडेंट वाइस चांसलर शार्दुल चले हैं पाटिल। अट्ठाईस सेकंड जाए करने के बाद वापस कदम बढ़ाए, बोनस की कोशिश में दबाव बनाता मुंबई, आवाज निकालते भिन्न भिन्न प्रकार से, और रेडर यहां सफल टच पॉइंट के साथ, प्रतीक आ गए हैं पुनः डूडाई पे, प्रतीक हो या फिर शार्दुल पाटिल, इनका खेल निश्चित रूप से निराला है। यहां इस वक्त बड़ौदा का पाला है, जबकि सुपर टेकल नहीं है, डूडाई रेड है इस वक्त देखिएगा, साथ का सॉलिड डिफेंस, टच पॉइंट लेने में कामयाब। जी हाँ, मुंबई माया नगरी ये लगातार साबित करते हुए कि वो किसी से कम नहीं है, क्रिकेट में नहीं कबड्डी में भी मुंबई का बॉल वाला इस वक्त 37-15 22 अंक अभी भी पीछे है बड़ौदा। शार्दुल पाटिल आ रहे हैं, पाटिल की पटियाला से देखते हैं अब कितने अंक और आते हैं, समय बिताते 8 नंबर से हैं, 6-7 का डिफेंस है यानी कि बोनस ऑन, एक खिलाड़ी बाहर है लेकिन यहाँ रेडर उस पार है लक्ष्य रेखा से पार, एक एक काफ़ी धीमी रफ्तार खासकर इस हाफ में देखा जाए तो, जीत की तरफ बढ़ता मुंबई या कहें कि मुंबई इंडियंस। आईपीएल में ज़रूर नाम सुना होगा, यहाँ भी सुना देते हैं, 37-16 का स्कोर, आसानी से पहुँचे प्रतीक, जादव की जादुई तो नहीं लेकिन आसान रेड, जब तक आउट खिलाड़ी बाहर नहीं जाते तब तक रेड लेके आगे नहीं बढ़ सकते, और उसी लिए कुछ क्षण के लिए अंपायर ने रोका। इधर से भी टच पॉइंट लेने में कामयाब लेकिन समय अब दबाव बढ़ाता हुआ
फितरत समय गुजारने की व्यतीत करता, आसानी से हर रेड के ऊपर 27-28 सेकंड जाया करता वहाँ। और ये मनोवैज्ञानिक दबाव इस समय, क्योंकि समय इंतज़ार करने वाला नहीं। किक करना चाहते थे, कामयाब नहीं। 17-38 अंक की विशाल लीड, यूं गए और यूं आए। शार्दुल पाटिल आहिस्ता आहिस्ता कदमों से आगे जा रहे हैं, क्योंकि जीत लगभग तय है उनकी। शेष खेल को समय बिताते हुए 29 सेकंड बिताए, देखिए कितना ध्यान है समय गुजारने पे मुंबई का। और क्यों नहीं, जब 38-17-21 पॉइंट की बढ़त उनके पॉकेट में हो तो ये स्वाभाविक है किसी भी टीम के लिए समय गुजारना, खासकर अंतिम समय में। बड़ौदा बेहद दबाव में, द महाराजा सेजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा गुजरात इस वक्त डोडाई पे प्रतीक जादव। कहीं और कॉन्फिडेंस तो नहीं दिखाई देंगे इस रेड पे। शारीरिक भाषा से ली और कॉन्फिडेंस हो सकता है, लेकिन आत्मविश्वास भी हो सकता है। प्रयास किया बोनस का, अंतिम 5 मिनट का खेल, 6 पॉइंट लेके आए हैं। बोनस प्लस टच पॉइंट, बड़े खिलाड़ी। डोडाई पे यहाँ आसान नहीं होगा पॉइंट या फिर बोनस लेना। 40-17-23 अंक की बढ़त है, अभी भी 4 मिनट का खेल शेष है करीब। वापस लौटना बेहद मुश्किल लगने लगा है। और बैक होल्ड यहाँ, वाह छोड़ने वाला नहीं। शानदार शिकार, बड़ौदा के जबड़े से पॉइंट छीनता मुंबई। 4 नंबर परिवर्तन के तौर पर ये इनका इस मैच में शायद पहला रेड। 41-17-24 अंकों की देखे कितनी बड़ी बढ़त है। अंतिम 4 मिनट का खेल, 5 खिलाड़ियों का डिफेंस, किक करने का कोशिश, सेफ ही वापस। यहां बोनस प्लस 1 पॉइंट प्रति की। आहिस्ता आहिस्ता अचानक झपट्टा मारने की कोशिश होगी। आज का ये अंतिम मैच है, मध्य रात्रि के समय दूधिया प्रकाश। शानदार सौगात खिलाड़ियों की, अपना जज्बा बिखेरते हुए 100+ यूनिवर्सिटी यहाँ खेल रही है इस वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी मैन टूर्नामेंट 2024-25 में। अच्छा प्रयास, टाइम आउट हो सकता है इस रेड के बाद। किक किया और यहाँ देखिए पॉइंट बटोर लिया। ये है इनकी ताकत, नज़रें कितनी बेहतरीन हैं इनकी बराबर। जी हाँ, सब्स्टिट्यूट को अंदर लेना चाहते हैं कोच, ताकि मौका मिले अच्छी खासी बढ़त 42-19 के साथ। प्रतीक को आराम दिया गया है, क्योंकि अब ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, इतनी बढ़त मुंबई के पास आ चुकी है। सेफ खेल को आगे बढ़ाना चाहेगा और वक्त भी अब तकरीबन 3 मिनट के आसपास बाकी। 23 अंक की बढ़त, दबाव बढ़ाती बड़ौदा पे। 11 नंबर से कंधे झुकते हुए इसमें बड़ौदा गुजरात बेहद प्रेशर में, और इस प्रेशर से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन। टच पॉइंट यहां कॉर्नर पे, ईमानदारी का परिचय दिया, बाएं हाथ आगे बढ़ाया, स्कोर में लगातार इजाफा करता 43-43, जबकि 19 पे रुका हुआ। अंतिम 2 मिनट का खेल शेष, और इस 2 मिनट में अब खेल का नक्शा बदलना लगभग नामुमकिन। ये कहना चाहिए कि जीत के करीब मुंबई यहाँ बाहर भेजा। शानदार पुश, मौसम तो मालिश से पहुंच चुका है। 19 पे अटका हुआ सुपर टेक लॉन, समाप्ति के करीब मैच। 25 अंक की बढ़त है मुंबई के पास, अंतिम 60 सेकंड का खेल शेष, जीत की मंजिल पे मुंबई माया नगरी। जेसी के साथ खेल समाप्त, स्वीकार करता हुआ बड़ौदा, और यहां टच पॉइंट के रूप में 45 स्कोर होगा। लीजिए खेल समाप्त, 45-45-19, यानी 26 पॉइंट के बड़े मार्जिन से मुंबई ने द महाराजा
सेजा राव यूनिवर्सिटी बड़ौदा गुजरात को पराजित किया। गजब का खेल, बैक टू बैक एक और जीत, इस समय मुंबई की खेल भावना का परिचय। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मैच मुंबई, प्रतीक यादव जबरदस्त और वहीं शार्दुल पाटिल। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मैच, हैव ए ग्रेट डे, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू टुमारो।